आफ्टर हैविंग माई फर्स्ट चाइल्ड आई वॉज क्राइंग अलॉट, आई वॉज नॉट एबल टू बी हैप्पी एट एनी थिंग. द मोमेंट नर्स एंटर हुई हैं बेबी को लेकर, जो मुझे बताया गया था कि यू विल फील दिस रश ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ. क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होनी शुरू हो गई थी ना, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था. आई कैन नॉट रिमेंबर एनी फीलिंग आउट ऑफ इट. इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड कि मुझे जो हो रहा है वो पोस्टमार्टम है. टिल द टाइम जब मैं ऑपरेशन थिएटर में एंटर हो रही थी, आई फेल्ट कम्प्लीटली नॉर्मल एंड वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल एक्सपीरियंस. आई केम इन द रूम और मुझे कैटेगोरिकली मोमेंट याद है, क्योंकि द मोमेंट नर्स एंटर हुई हैं बेबी को लेकर, जो मुझे बताया गया था कि यू विल फील दिस रश ऑफ हैप्पीनेस और तुम एकदम बच्चे को देखते ही तुम सारा गम भूल जाओगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बल्कि जब नर्स ने ला के रखा और उन्होंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे ऐसे करना है और आपने ये नहीं करना, तो उस सब में मुझे बहुत एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा था. मुझे लग रहा था कि मैं कोई फिल्म देख रही हूँ एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग टू मी. आई फेल लाइक अ थर्ड पर्सन इन द रूम. बट व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न एंड दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई डिडंट वांट टू गो नियर हर. आई वांटेड टू बी एज फार अवे फ्रॉम हर एज पॉसिबल. आई वाज लाइक आई कांट टेक केयर ऑफ हर, आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ हर. And that's not normal. It's not, you know, you've seen in movies or aap har jagah dekhte hain ki, you know, bachcha hota hai to ammi mata ji jo hai wo to, you know, it's like the, you're on top of the world basically. Lekin meri aisi koi feeling nahi thi and main bahut arse tak wo samajh hi nahi pa rahi thi ki aise mere sath kyun ho raha hai. Kafi arse ke baad phir jaake samajh mein aaya, lekin us waqt bahut guilt hota tha ki ye kyun hai. कि मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी कि मैं अपनी अम्मी को अपनी बच्ची पकड़ा दूं कि आप संभाल लें. एंड देन आई कुडंट इवन टेल हर कि मुझे क्या हो रहा है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैपेंस आफ्टर अ वुमन गिव्स बर्थ, राइट? पोस्टपार्टम, दैट्स वेयर द पोस्ट कम्स फ्रॉम. आफ्टर अ वुमन गिव्स बर्थ आपके बॉडी में नेचुरली बायोकेमिकल्स उस वक्त प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट आर सस्टेनिंग द चाइल्ड, ठीक है? वो बायोकेमिकल्स उस प्रेगनेंसी के दौरान नेसेसरी होते हैं. बर्थ के बाद नेचुरली आपकी बॉडी में वो बायोकेमिकल्स खुद ही ड्रॉप हो जाते हैं, राइट? नेचुरली यू डोंट नीड देम एनीमोर. तब जाके आपकी बॉडी डिसाइड्स कि यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग आई नीड टू डू, या अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो आपके बायोकेमिकल्स और फिजियोलॉजी में डिफरेंस आता है. बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन, यू कैन से, योर नर्वस सिस्टम, राइट? सब कुछ नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होता है. If I were to really talk about not even postpartum depression but depression in general as well. So jab aapki body us change ke through jati hai, it leads to specific symptoms. After having my first child I was crying a lot, I was not able to be happy at anything. I was putting that on zyada tar main usko apni family mein jo dusre issues the unke upar dal ke, aur ye ki main शायद लोनली फील कर रही थी और डाउट्स बहुत होते थे कि शायद कुछ और बात है, ऐसा नहीं है जो मैं सोच रही हूँ. सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर आपकी बॉडी गोज थ्रू चेंज एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज यू मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स हो सकते हैं, सैडनेस हो सकती है, क्राइंग स्पेल्स हो सकते हैं, सुसाइडल आइडिएशन भी हो सकती है, द थॉट टू किल ऑफ हर्टिंग योर ओन चाइल्ड भी हो सकता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज टू अंडरस्टैंड दैट नेचुरली आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर गिविंग बर्थ, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है वेर यू डू काइंड ऑफ गो थ्रू दीज मूड स्विंग्स और सैडनेस. नेचुरली यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, लेकिन दैट नेचुरली लास्ट अराउंड 2 weeks. अगर आपको लगे कि सिम्टम्स 2 weeks से ज़्यादा हैं, उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है और उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, तब जाके वी कैन से दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. एट दैट टाइम आई डिडंट नो दैट दिस वॉज डिप्रेशन और एनी सॉर्ट ऑफ ब्लूज एनीथिंग हैपनिंग. दिस वॉज वेल इन टू, जब एक महीना गुजर गया मेरे ख्याल से, हाँ 1.5 महीना, तो जो मुझे फीलिंग्स कॉन्स्टेंटली आ रही थी और जो एक नॉर्मल वरीज होती हैं उसके अलावा जो मुझे फीलिंग्स आ रही थी, माई फ्रेंड्स हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, कैन नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको सीरियसली लूँ और इसके ऊपर काम करूँ कि मुझे ये थाट्स क्यों आ रहे हैं या ये मेरी फीलिंग्स क्यों हो रही हैं. सो इट टुक मी अ मंथ टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. एक्सट्रीम इतना हो गया था तो मेरी अम्मी ने फिर नोट किया कि कोई प्रॉब्लम है,
एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया और बिठा के मुझसे बाकायदा पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ है जो बॉदर कर रही है. एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड हर कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही. डेफिनेटली देयर वाज एन एम्प्टीनेस, देयर वाज अ नंबनेस ऑफ सॉर्ट्स दैट आई कुड हैव सैट फॉर आवर्स थिंकिंग नथिंग, बिकॉज मुझे हो रहा था कि मैं उसको प्रोसेस नहीं करना चाह रही थी फ्रेंकली. ऑनेस्टली नो, आई न्यू डिप्रेशन, आई न्यू एंग्जाइटी, आई न्यू स्ट्रेस, आई न्यू ऑल दिस ग्रीफ एंड ट्रामा एंड ऑल ऑफ दैट. पोस्टमार्टम आई हैड हर्ड इट, बट इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड कि मुझे जो हो रहा है वो पोस्टमार्टम है. अंडरस्टैंडिंग दैट आई न्यू साइकोलॉजी, मुझे तो उसी वक्त पता चलना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे उस दिन अंडरस्टैंड हुआ कि जब आपके साथ कुछ हो भी रहा होता है तो आप आधे वक्त डिनाइल में होते हैं कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता, दिस मस्ट बी समथिंग एल्स. सो दैट इज़ वाई टुक आई न्यू अबाउट दिस, बट इट स्टिल टुक मी टाइम कि मैं वो पहचानूँ. सारा काम फिजियोलॉजी का होता है, राइट? योर बॉडी हैज़ बीन सस्टेनिंग अ चाइल्ड फॉर सो लॉन्ग, राइट? नेचुरली when there's no need for the sustenance, अब कोई ज़रूरत नहीं है to sustain anything in you, there is a natural drop in biochemicals. Specific biochemicals like progesterone and oxytocin and serotonin. ठीक है, serotonin आपका happy chemical है. It's called the happy hormone. Anxiety बहुत ज़्यादा, हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाना कि ये किस तरह होगा, ये कैसे करूँगी, गुस्सा फ्लेयर अप हो जाना, कोई भी घर में ज़रा सी भी कोई बात हो जाए तो चीखना शुरू कर दूँगी, नाराज़ होना शुरू कर दूँगी, एंड देन पीपल मतलब पीपल इन द हाउस, पेरेंट्स एंड एवरीबडी, हस्बैंड वुड जस्ट टर्न अराउंड बी लाइक कि क्या हो गया भाई, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी. एंड रोना कॉन्स्टेंट एक वो था, हर बात पर रोना आ जाना, कोई छोटी सी बात हो गई, फिर नेगेटिव थाट्स. जो सबसे मेजर इसमें प्रॉब्लम आती है वो आपकी अपना जो जहन है ना, वो हर बात को गलत उसमें लेता है. आई एम अ वेरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स. मैं कोई चीज़ करती हूँ तो बड़ी ऑर्गेनाइज चलती है कि ये दिन मेरा शुरू होगा तो ऐसे होगा, मुझे हर चीज़ का एक स्केड्यूल मालूम होता है. अब ये एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है जैसा कोई स्केड्यूल नहीं होता, रात दिन आपका कुछ पता नहीं चल रहा होता, फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ एकदम हाथों से निकल जाती है और आपको लगता है कि मैं जो भी प्लान कर रही हूँ वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे इसका नहीं मालूम ये क्या होगा. तो दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ऑर्गेनाइज, वो बहुत फिर आपको ना एंग्जाइटी के साथ साथ आपको एक फेलियर फील कराती है. सो नेचुरली आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स कम हो रहे हैं और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हॉर्मोन है वो ज़्यादा हो रहा है, राइट? इसकी वजह से नेचुरली आपकी बॉडी में जो डिफरेंस आते हैं, आपकी मूड में फ़र्क आता है, आपकी बिहेवियर्स में डिफरेंस आता है. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ परसीव्ड बाय द जनरल पब्लिक एज यू नो समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू. नेचुरली पीपल थिंक दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, बट दैट्स नॉट व्हाट्स हैपनिंग. असल में आपकी बॉडी एक चेंज के थ्रू जा रहा है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ लेबलिंग देम एज बैड मदर्स, देयर जस्ट गोइंग थ्रू ए natural body response. तो मैं लकी रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती गई वो मेरे साथ रहे पूरे प्रोसेस में. उन्होंने मुझे स्पेस भी दी, उन्होंने मुझे वक्त भी दिया कि मैं ठीक हो जाऊँ. एंड ही जस्ट डिडंट लीव मी इन द मिडल ऑफ इट कि मैं नहीं कर सकता ये. बहुत दफ़ा लोग छोड़ देते हैं दैट आई कॉन्ट डील विद दिस, यू नो. तो मेरे साथ एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है ये एक पॉजिटिव बात थी कि उन्होंने बहुत सबर के साथ और बहुत कि नहीं इसका ठीक होना ज़रूरी है, ये हम वक्त देंगे तो ये सही हो जाएगी. आई थिंक लोग ये सवालात करते हुए जो यूजली एक नई माँ से सवालात होते हैं वो ये सोचते नहीं हैं कि उससे बहुत सारे ट्रिगर्स वाबस्ता होते हैं. वो आपकी फैमिली भी हो सकती है जिसमें आपके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपके इन लॉज भी आ जाते हैं. मे बी बिकॉज कि हमें वो अवेयरनेस नहीं है या हम वो प्राइवेसी नहीं देना चाहते उस माँ को या उस कपल को जिनका बच्चा हुआ होता है कि कुछ मैटर्स आर ऑफ हैंड एंड नॉट अप फॉर डिस्कशन. और ये किसी के से कहना कि मैं आपसे इस मुतालिक बात नहीं करना चाहती या मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहती हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक बदतमीज़ी है. तो वो आपका ये आप ये कह भी नहीं पाते कि यू नो ये जो आप बात मुझसे कर रही हैं ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है, प्लीज़ इस बारे में बात ना करें. तो ये इन इट सेल्फ या तो आपको लेबल कर दिया जाएगा कि शायद आपको आप भी पागल हो गई हैं कि आप इतनी नॉर्मल डिस्कशन होल्ड नहीं कर पा रही, तो आप वो एडमिट भी नहीं करना चाहते.
कि ये इस तरह हो रहा है, ट्रिगर कर रहा है? अनाया, माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न इन 2011, तो 2011 से ले के ये सब शुरू हुआ और अभी पिछले साल फाइनली कुछ लगा कि कुछ बेहतरी हुई है. बिकॉज पहले 6-7 साल तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, वी हैड नो आइडिया कि हो क्या रहा है. उसके बाद जब ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके बाद यू नो, आपको मैंने अभी सारा बताया कि स्टेप बाय स्टेप आगे गए. फिर वो एक ट्रीटमेंट करते हैं, वो चलती है, नहीं समझ आता, फिर आप दूसरी मेडिकेशन पे जाते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी से आपका वेट गेन हो रहा है, किसी से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी से शुगर लो हो रही है, किसी से एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, किसी से नींद नहीं आ रही, अलग अलग करते 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 इवेंचुअली फिर फाइनली आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ जो ब्रेक थ्रू होता है कि जी ये अब हेल्प कर रही है. So I would say it wasn't diagnosed by a clinical psychologist per se, but I spoke to therapists and they said that this was somewhere between that. You per se do not need medication, but you need to look into this and acknowledge कि ये तुम इससे गुजर रही हो, because that is the first step of healing yourself. Because I think कि जो चीज़ 6-8 महीने में ख़त्म हुई, वो शायद मैं 1-2 महीने में consistent counseling लेके, therapy लेके मैं शायद ओवरकम कर सकती थी. सो इफ़ अगर ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प सीख करती, ताकि वो एपिसोड जल्दी ख़त्म होता और मैं नॉर्मल फील करने में वापस आ सकती. आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड आई स्टिल लिव्ड एंड आई एम हेयर एंड माई यू नो, मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रही हूँ एंड मैं कॉलेज भी जा रही हूँ और मैं मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकती. सीरियसली बहुत ज़्यादा आई एम रिलीव्ड कि मैं ठीक हो गई. सिंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम पीटीएसडी आर सच एक तरह से थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी. लोग इन चीज़ों से दे डोंट थिंक इट्स एक्चुअली अ थिंग, दे जस्ट आर सो क्विक टू लेबल द मदर फॉर ऑल ऑफ दिस. आई गेस एक बात तो ये कहनी चाहूँगी कि ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स आर फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, नेचुरल रिस्पॉन्सेज. So if you really want to take off that stigma that you are a bad mother or you are something is mentally wrong with you, the first way to do that is understand that these things jo ho rahe hain, these are all physiological. It's not essentially in your control. Your body is going through a process. So understanding the individual as a human being, as opposed to kind of portraying them as this, you know, crazy person for not loving their child, not being able to connect with their child. That's what I kind of want to focus on. So understanding women, first of all, going through those 9 months or going through that entire process of bearing a child and then giving birth to a child is not an easy process. So showing a little bit of compassion, showing a little bit of love and appreciation for having going through such a tough period of time is very necessary.